आज हम बात करेंगे कि गर्मी के सीजन में बच्चे का सिर गर्म क्यों रहता है, क्योंकि ये अक्सर देखने को मिलता है। कई सारे फ्रेंड्स का कमेंट भी आया है कि मैम प्लीज बताइए मेरे बच्चे का सिर गर्म हो रहा है। इससे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने वाली बात भी है। अगर बच्चे का सिर ज़्यादा गर्म रह रहा है ना, हम उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम कुछ प्रिकॉशन जो है नहीं अपनाएंगे, तो हमारे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर बच्चे का सिर गर्म हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, क्या क्या कारण हैं, और इसके घरेलू उपचार क्या हैं, क्या अपना करके आप बच्चे का सिर जो है वो गर्म होने से बचा सकते हैं, और अगर नहीं असर कर रहा है तो फिर लास्ट में आपको डॉक्टर को कब दिखाना है। फ्रेंड्स, जो हमारा बेबी होता है वो अगर जो अपने डाइट में कुछ गर्म चीज़ें ज़्यादा सेवन करता है, गर्म चीज़ें हो या फिर तुरंत बनी हुई एकदम गर्म गर्म चीज़ें हो, जैसे अभी दाल तुरंत बना हुआ है, बिल्कुल गर्म गर्म है, गर्मी के सीज़न में वो तुरंत सेवन कर रहा है, या फिर गर्म चीज़ जैसे कि बादाम हो गया, ये सारी चीज़ों का सेवन कर रहा है, मूँगफली हो गया, तो इससे भी हमारे बेबी का जो सर है वो हमेशा गर्म रहता है। नेक्स्ट है कि अगर माँ स्तनपान करा रही है, माँ के वो टच में है, तो माँ का जो गर्मी है वो बच्चे के शरीर में जा रही है, जिससे वो बच्चे का सर हमेशा गर्म रह रहा है, क्योंकि माँ इसे गोद में लेकर के बिल्कुल चिपका के दूध पिला रही है। इससे बच्चे के सर में गर्मी जा सकती है, बच्चे की पूरी शरीर भी गर्म हो सकती है। नेक्स्ट है कि अगर जिस रूम में मेरा बेबी है उस रूम का वातावरण, अगर हमारा बेबी जो है वो गर्म मतलब गर्म लू हवादार चलने वाले रूम में वो है, तो बच्चे का सिर वैसे ही गर्म होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि अगर मेरा बेबी जो कपड़ा पहन रहा है गर्मी के सीज़न में, वो बिल्कुल भारी भरकम कपड़ा पहन रहा है, जिससे उसको दिक्कत हो रही है, ऐसे में भी बच्चे का सिर गर्म हो सकता है। नेक्स्ट है कि जब हमारे बच्चे का दांत निकल रहा होता है, उस समय बच्चे का सिर गर्म होता है। सिर गर्म होने के साथ साथ बच्चे को बुखार की भी समस्या कभी कभी हो जाती है। नेक्स्ट है कि अगर हमारा बच्चा किसी मानसिक तनाव के साथ गुजर रहा होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बच्चा किसी मानसिक तनाव के साथ गुजर रहा होता है, तो ऐसे में भी उसका सिर अक्सर गर्म रहता है। नेक्स्ट है अगर हमारा बच्चा वर्कआउट कर रहा है, थोड़ा खेल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, तो थकान के कारण भी गर्मी के सीजन में उसका सिर गर्म हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसके उपाय क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, गर्मी के सीजन में आप अपने बच्चे को जितना हो सके मतलब कि हवादार कमरे में रखें। रूम का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण है, वो सही होना चाहिए। गर्म रूम में लू जहाँ पे आ रही हो, ऐसे रूम में बच्चे को ना रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि जब माँ दूध पिला रही हो बच्चे को, तो उससे पोजीशन अपना थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज करना चाहिए, ताकि बच्चे के शरीर में पूरी तरीके से गर्माहट ना पहुँच पाए और बच्चे का सिर गर्म ना हो। नेक्स्ट है कि अपने बच्चे को आप कपड़े का जो चुनाव है वो सही तरीके से करें, बिल्कुल ढीला ढाला हवादार कपड़ा पहनाएं, नहीं तो बच्चे को कपड़े के दबाव के कारण भी सिर गर्म हो सकता है। नेक्स्ट है कि इस समय इस सीज़न में आपको अपने बच्चे को नहलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्मी चल रही है फिर भी आप अपने बच्चे को नहीं नहला रही हैं, शरीर पोछते रही हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल बच्चे को सर के ऊपर से पानी डाल के पूरी तरीके से एकदम क्लीन नहलाना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे को जब वर्कआउट करा रही हो, तो आप ये ध्यान दें कि अगर बच्चा थोड़ी देर वर्कआउट कर लिया, तो उसके बाद आप सूप जूस या फिर पानी, मतलब थोड़ी देर के बाद आप अपने बच्चे को ग्लूकोन डी देते रहें, बहुत ज़्यादा देर तक बच्चा वर्कआउट ना करने पाए। नेक्स्ट है कि अपने बच्चे के बॉडी को हाइड्रेट रखना है। नेक्स्ट है कि आप ये ध्यान दें कि अगर आपका बच्चा किसी मानसिक तनाव के साथ गुजर रहा हो, तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे का जो मानसिक है वो मतलब जो उसका मस्तिष्क है उसको कहीं और डाइवर्ट करें, उसके दिमाग को कहीं और लगाएं, खेलने कूदने या आपस अपने से बात करने में लगाएं, ताकि आपका बच्चा तनाव में ना रहे। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर हम अपनाएंगे तो हमारे बच्चे का सर गर्म नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। आपने सारी चीज़ें अपना ली लेकिन फिर भी आपके बच्चे का सर गर्म रहना ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे केस में आप बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं। आप के बच्चे के अंदर जब मानसिक बदलाव हो रहा हो, आपको शारीरिक बदलाव कुछ दिख रहा हो, या फिर आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहा हो, मतलब चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर आ रहा हो, या आपका बच्चा एक दिन दो दिन बीत गया कुछ खा पी नहीं पा रहा है, या आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा मितली या फिर डायरिया की संभावना हो, तब ऐसे केस में आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बेहतर होगा।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।